बठिंडा का क्या यहां पर ओपिनियन पोल है शिव? ज्यादा जबरदस्त एक ट्रेंड दिखा रहा है आम आदमी पार्टी को, यहाँ पे 27.88%, शिरोमणि अकाली दल को 25.72%, बीजेपी यहाँ पे 17.09% पे है, INC यहाँ पे 12.56% पे है और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 16.75% है। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी आगे चल रही है बहुत ही स्लिम मार्जिन से, और वो जो अनडिसाइडेड वोट है वो खेल कर सकता है? बिल्कुल करेगा, मुझे लगता है इनमें करेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री SP बघेल साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुप्रिया जी भी हैं, शहजाद हमारे साथ हैं और अभी थोड़ी देर में सुनील कुमार साजन जी भी हैं। बघेल साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। सुप्रिया, आवाज मुझे आ रही है? हाँ, बोल दीजिए। एक मिनट, एक मिनट में सुप्रिया जी से ले लूं, फिर आता हूं। अरे भाई, पर अभी टिप्पणी आ रहा हूं, एक प्रतिक्रिया भी हुई इनकी नंबर पर, 2019 के 24 के नंबर पर। सुप्रिया जी, 52 से 48 कांग्रेस पार्टी हाफ सेंचुरी भी नहीं हो पाई पोल में, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। नहीं, पर अन्याय है ना अनुराग, उससे अनुराग जी अखिलेश की पार्टी बोली, उसके बाद मैं चुप रहा, फिर आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नंबर पर आप प्रतिक्रिया नहीं, कांग्रेस पार्टी के नंबर पर तो वो उनका पहले अधिकार है ना। मैं आ रहा हूं, पहले सुप्रिया जी का समय तो दीजिए हमें थोड़ा। आ रहे शहजाद जी, आ रहे, एक मिनट आ रहे। सुप्रिया जी, आप तो इसकी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं नंबरों की जैसे ब्रह्म वाक्य बोल रहे हो। अरे, ये ओपिनियन पोल है और ये वो ओपिनियन पोल है जो देश की आशंकित जनता आज बोल नहीं रही है। मैं तो फिर कह रही हूं, आपका ओपिनियन पोल देखकर मुझे इंडिया शाइनिंग याद आ रहा है। इंडिया चमक रहा था, इंडिया दमक रहा था, सब लोग सरकार बना रहे थे वाजपेयी जी की, और ऐसी धराशायी हुई थी भारतीय जनता पार्टी कि पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। वही होने वाला है। अपने नंबरों को ब्रह्मवाक्य बना के मत प्रस्तुत कीजिए, आपको आपके ही आंकड़े चौंकाएंगे जब हम 4 जून को बात करेंगे। मेरा अपना मानना है, मुद्दों से विमुख भारतीय जनता पार्टी है, मुद्दों को पकड़कर हम और हमारे घटक दल चल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MP, 4-4 सिटिंग लोकसभा MP कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज राज्यसभा सिटिंग MP छोड़ देता है पार्टी को, ठीक है, क्या आपको दिखा रहा है कि ये लोग किस तरफ चुनाव जा रहा है वो भाप रहे हैं? ठीक है, आप ना भापिए वो अलग बात है, और उस पर मुझे कोई चिंता भी नहीं है। मीडिया ने पिछले कुछ दिनों में क्या किया उस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ। ये इंडिया शाइनिंग मोमेंट है, इस बात को लिखिए और इस पर हम चर्चा करेंगे 4 जून को। ठीक है, इंडिया शाइनिंग मोमेंट है। शहजाद देखिए, अगर भागने भगाने की बात होगी तो भाई बताइए, बिहार में तो संयोजक भाग गए, यूपी में RLD भाग गई, महाराष्ट्र में मिलिंद से लेकर अशोक भाग गए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पंजाब में आम आदमी पार्टी भाग गई, तो मुझे लगता है, और उमर अब्दुल्ला भी भागने की फिराक में, बंगाल से दीदी भाग गई, तो मुझे लगता है इस प्रकार की हल्की टिप्पणी, और देखिए मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ आपका, ये एक्सरसाइज है, हम मीडिया का सम्मान करें। अब मैं उसी सम्मान भाव से, अभी हमारे भाई साहब यहाँ पे जो बैठे, उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने, ये उनका विचार है, हो भी सकता है कि हम लोग ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करते फिर किसी को जाकर टिकट नहीं देते, पर सर मैं बड़े विनम्रता से, मैं तो एक छोटी सी गिलहरी हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, चलिए हम ध्रुवीकरण वाले, ये उदयनिधि स्टालिन ने जब कहा सनातन समाप्त करेंगे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये इनके DK सुरेश ने कहा नॉर्थ एंड साउथ, और साउथ को तो इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, इस पर ये लोग क्यों कार्रवाई नहीं करती? ये तो मोहब्बत की दुकान है ना सर। चलिए, हम तो नफरत के भाईजान हैं, हम नफरत फैलाते हैं ध्रुवीकरण करके, हालांकि राम जी में कौन सा नफरत का भाव दिखाई देता है, राम मंदिर में नफरत का भाव, वो चलिए ठीक है, पर मुझे बताइए, ये तो मोहब्बत के पैगाम लेकर ये सारे पैगंबर आए हैं, तो इन पैगंबरों से पूछिए कि भाई उदयनिधि स्टालिन जो हिंदुओं को गाली देता है, ये राजा बोलता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और ये मुद्दा है ना, ये असली मुद्दे हैं ना इनके पास, तो ये मुद्दों को लेकर क्यों आते हैं? समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला उनको निकाला नहीं इन लोगों ने, वो छोड़कर गए। रामचरितमानस पर RJD ने कहा क्या, उन्होंने कहा पॉइजन है, पोटेशियम साइनाइड है, मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी है, तो ये मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पर जाकर हिंदुओं को गाली देने का ठेका क्यों उठा लेते हैं? अब फिर से देखना, कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं आएगा, इधर उधर की बातें और मीडिया को लेक्चर, और वो लेक्चर दे रही है जिन्होंने पहले दिन पर मीडिया छोड़ी और अगले दिन जाकर टिकट लेकर चुनाव लड़ने लग गई, वो मीडिया को लेक्चर दे रही है, बताइए, ये भी गजब का काल चक्र है कि जो अगले दिन विदाउट कूलिंग ऑफ पीरियड टिकट ले ले, वो ओपिनियन पोलस्टर पर सवाल उठाए, वो गौरव और राहुल पर सवाल उठाए, वो यहाँ पर बैठे लोगों पर सवाल उठाए, ये अजब गजब मामला है। सिंह बघेल भी हमारे साथ मौजूद है। बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले फाइनल टैली हमने जो बताई है उसमें NDA को 376 सीटें मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 133 सीटें और बाकी अन्य को 34, आपका क्या रिएक्शन है?
काफी नजदीक है ये, भविष्य के चुनाव परिणामों के काफी नजदीक है। 376 एनडीए को, 133 यूपीए को और 34 अन्य लोगों को मिल रहा है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, अभी पर्चा दाखिल होने के बाद जब माहौल बनेगा तो कहते हैं ना कि बराती तो नाचते हैं, घोड़ा भी नाचना शुरू कर देता है। तो जैसे ही नॉमिनेशन होगा, नेता लोग आएंगे और एक माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा, तो ये 376 400 के पार निश्चित तौर से चला जाएगा। बघेल साहब, क्या सबसे बड़ा कारण लगता है आपको, क्योंकि 400 पार की गारंटी आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नजदीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है इसका? सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, मैं ये कहता हूं कि अगर लाभार्थी केवल अपने परिवार सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर दें तो तमिलनाडु की भी कई सीटों पर कमल खिल सकता है। उदाहरण के तौर से मोदी जी की योजनाएं, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक है, उनकी कोई भी योजना किसी राज्य विशेष के लिए या जिला विशेष के लिए या वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है। या तो वो लाभार्थी सड़क पर शौच करती हुई महिला को सभी प्रधानमंत्रियों ने देखा, लेकिन शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छप्पर में सोती हुई महिला को, या खपरेल में, या आपके दिल्ली में पाइपों में रहते हुए लोगों को, या हमारी, मैं आज जलेसर में बैठा हूँ, हम गाँव के लोग हैं, मढ़ा में रहते हुए लोगों को सबने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास करोड़ों की संख्या में मोदी जी ने बनाने का काम किया। पिछले 10 साल में भूख से एक भी मौत इसलिए नहीं हुई है कि 5 किलो गेहूं और चावल 4 साल से 80 करोड़ लोग निःशुल्क पा रहे हैं। ढेंचा पर रोटी बनाना, लकड़ी पर और कंडे पर और खांडू पर, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ राहुल गांधी जानते भी नहीं होंगे कि ढेंचा क्या है, खांडू क्या है, कोई क्या है, कंडे शायद जानते हूँ, उस पर धुएं में खाना बनाते हुए सब प्रधानमंत्रियों ने देश की महिलाओं को देखा, लेकिन 12 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। खेत बेच करके कर्जे में जेवर बेच के इलाज करते हुए सभी पार्टियों के नेता ने देखा, लेकिन 33 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड और 7 करोड़ लोग इलाज कर चुके हैं, और मेरा विभाग 75,000 करोड़ रुपए मरीजों के बिल को पेमेंट कर चुका है। तो 376 आपको बता रहे हैं और आप उस पर जो बातें रख रहे हैं, नतीजे जब आएंगे 4 जून को फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन सुनील साजन, आप लोग जो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सीट्स जो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से आ रही है वो सिर्फ 6 सीट आ रही है। अगर गठबंधन पहले थोड़ा हो गया होता और चीजें पहले दुरुस्त कर ली जाती तो आपको लगता है कुछ और चीजें बेहतर हो सकती थी, स्थिति और बेहतर हो सकती थी?